गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन ऑनलाइन इंग्लिश क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड चैप्टर 16 ऑफ इंग्लिश. ओके, तो सभी बच्चे इंग्लिश की बुक्स का पेज नंबर 73 चैप्टर 16 ओपन करेंगे. आज हम चैप्टर 16 फेरी मी अक्रॉस द वॉटर इसकी रीडिंग करेंगे. ओके, जल्दी से ओपन कीजिए. वेरी गुड. ओके, नाउ लेट स्टार्ट. फेरी मी अक्रॉस द वॉटर. फेरी का मीन्स होता है कि नदी के पार जाना. ओके, फेरी मी मुझे ले चलो अक्रॉस द वॉटर पानी के पार. तो स्टार्ट करते हैं. फेरी मी अक्रॉस द वॉटर डू बोटमैन डू. बोटमैन होता है नाव चलाने वाला. ओके, फेरी मी अक्रॉस द वॉटर डू बोटमैन डू. फेरी मी मुझे पानी के पार ले चलो. चलो बोटमैन चलो. मुझे नदी के पार ले चलो. इफ यू हैव अ पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू. इफ यू हैव ए पेनी, पेनी मीन्स एक पैसा. ठीक है, यदि तुम्हारे पर्स में एक पैसा है तो आई विल फेरी यू, मैं तुम्हें नदी के पार ले चलूंगा. फेरी मी अक्रॉस द वॉटर डू बोटमैन डू. इफ यू हैव ए पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू. बोटमैन मुझे नदी के पार ले चलो. चलो बोटमैन चलो. इफ यू हैव अ पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू. यदि तुम्हारे पर्स में अगर तुम्हारे पास एक पैसा है तो मैं तुम्हें नदी के पार ले चलूंगा. आई हैव अ पेनी इन माई पर्स. आई हैव ए पेनी, पेनी एक पैसा. मेरे पर्स में एक पैसा है. एंड माई आईज आर ब्लू, और मेरी आंखें नीली हैं. क्या? आई हैव ए पेनी इन माई पर्स. मेरे पास एक पैसा है. एंड माई आईज आर ब्लू, और मेरी आंखें नीली हैं, ब्लू हैं. सो फेरी मी अक्रॉस द वॉटर. सो फेरी मी अक्रॉस द वॉटर. इसलिए तुम मुझे वॉटर के पार ले चलो. पानी के पार, नदी के पार ले चलो. डू बोटमैन डू. चलो बोटमैन चलो. स्टेप इन टू माई फेरी बोट. स्टेप, स्टेप यानी कदम रखना, कि तुम मेरी बोट में कदम रखो नदी के पार चलने के लिए. बी दे ब्लैक और ब्लू, और ब्लैक और ब्लू हो जाओ. स्टेप इन टू माई फेरी बोट. मेरी बोट में नदी पार करने के लिए आ जाओ. बी दे ब्लैक और ब्लू, और ब्लैक और ब्लू हो जाओ. एंड फॉर द पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू. और अगर तुम्हारे पास पैसा है, यानी कि अब तुम्हारे पास पैसा है, तो मैं तुम्हें नदी के पार ले चलूंगा. ओके, आगे समझ में? देखिए दोबारा से एक बार. फेरी मी अक्रॉस द वॉटर डू बोटमैन डू. बोटमैन मुझे नदी के पार ले चलो. इफ यू हैव ए पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू. यदि तुम्हारे पर्स में एक पैसा है तो मैं तुम्हें अपनी बोट में नदी के पार ले चलूंगा. आई हैव ए पेनी इन माई पर्स एंड माई आईज आर ब्लू. मेरे पर्स में एक पैसा है, मेरी आंखें भी नीली हैं. सो फेरी मी अक्रॉस द वॉटर डू बोटमैन डू. इसलिए मुझे नदी के पार ले चलो. चलो बोटमैन चलो. स्टेप इन टू माई फेरी बोट. मेरी बोट में पार जाने के लिए आ जाओ, और ब्लू और ब्लैक हो जाओ. एंड फॉर द पेनी इन योर पर्स. तुम्हारे पर्स में पैसा है, इसलिए मैं तुम्हें फेरी कराऊंगा, यानी कि नदी के पार ले चलूंगा. ओके, आगे सबको समझ में? अब इसके एक बार क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग कराऊंगी. ओके, देखिए. नेम द पोइट ऑफ दिस पोयम. एक बार डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे. नेम द पोइट ऑफ दिस पोयम. इस पोइट के, पोयम के पोइट का नेम क्या है? क्रिस्टीना रोस्टे. क्या है इस पोयम के पोइट का नेम? क्रिस्टीना रोस्टे. सी एच आर आई एस टी आई एन ए, क्रिस्टीना. आर ओ एस ई डबल टी ई, रोस्टे.
कर लिया सभी ने फिल? फिल कीजिए इसको। वेरी गुड, जल्दी से फिल करेंगे सभी बच्चे बुक में। हु इज स्पीकिंग टू हुम, कौन किससे बातें कर रहा है बताइए। हु इज स्पीकिंग टू हुम? अ बॉटमैन, बॉटमैन, अ बॉटमैन इज एस पी ई ए के आई एन जी, ए बॉटमैन इज स्पीकिंग टू अ गर्ल, ठीक है। ए बॉटमैन इज स्पीकिंग टू ए गर्ल, एक बॉटमैन जो है वो लड़की से बातें कर रहा है। थर्ड देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ए पेनी, पेनी का मीन्स क्या है यहां पर? ए पैसा, पे ए आई एस ई ए, ठीक है, पी ए आई एस ए, ए पैसा। व्हाट डू यू मीन बाय ए पेनी, ए पैसा, पेनी का मीन्स क्या है? एक पैसा। व्हाट इज द कलर ऑफ गर्ल्स आईज, गर्ल्स की आंखों का कलर कैसा है जल्दी से बताइए। वेरी गुड, क्या है? ब्लू, ब्लू इज द कलर ऑफ गर्ल्स आईज, क्या लिखेंगे इसको? ब्लू इज द कलर ऑफ गर्ल्स आईज, ठीक है, ब्लू इज द कलर ऑफ गर्ल्स आईज। एक बार दोबारा से देखिए, नेम द पोएट ऑफ दिस पोयम, क्रिस्टीना रोस्टे, क्या है? क्रिस्टीना रोस्टे। हु इज स्पीकिंग टू हुम, ए बॉटमैन इज स्पीकिंग टू अ गर्ल, क्या आएगा? ए बॉटमैन इज स्पीकिंग टू ए गर्ल। व्हाट डू यू मीन बाय ए पेनी, पेनी का मीन्स क्या है? ए पैसा, इट मीन्स ए पेनी मीन्स ए पैसा। व्हाट इज कलर ऑफ गर्ल्स आईज, ब्लू इज द कलर ऑफ गर्ल्स आईज। आ गए सबको समझ में? कर लिया सभी ने? वेरी गुड। अब इसको क्या करेंगे? नोटबुक में करेंगे, लेकिन पहले इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, ओके? पहले वर्ड मीनिंग करेंगे, तो वर्ड मीनिंग अभी मैं आपको करा देती हूँ, पहले वर्ड मीनिंग कर लेना, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में कर लेना, ओके? तो अपनी नोटबुक निकालेंगे सभी बच्चे, इंग्लिश की, इंग्लिश रीडर की नोटबुक निकालेंगे सभी बच्चे, और उसके इधर से पेंसिल निकाली, जल्दी से रेडी हो जाइए। निकाली सभी बच्चों ने इंग्लिश की नोटबुक? वेरी गुड, तो स्टार्ट करते हैं। डालिए चैप्टर 15, सभी बच्चे डालेंगे चैप्टर 16, सॉरी, क्या है? चैप्टर 16, एफ ई डबल आर वाई, फेरी मी, लिखिए फेरी मी ए सी आर ओ डबल एस अक्रॉस द वॉटर, फेरी मी अक्रॉस द वॉटर, ओके। अब नेक्स्ट लाइन में डालेंगे इसके वर्ड मीनिंग, ठीक है। चैप्टर 16, फेरी मी अक्रॉस द वॉटर एंड नेक्स्ट लाइन में वर्ड मीनिंग। अब बताइए फेरी का मीन्स क्या होता है? एफ ई डबल आर वाई, फेरी, फेरी का मीन्स है नदी के पार। लिख लिया सभी ने? फेरी मी, फेरी का मतलब टू टेक अक्रॉस अ रिवर इन ए बोट, नदी के पार नाव में जाना, ठीक है, नाव में, नदी के पार नाव में ही तो जाते हैं बैठ के, नाव में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फेरी, ओके। सेकंड है पर्स, पर्स का मतलब सबको पता है, जो पर्स हम अपने पास रखते हैं, जिसमें पैसे रखते हैं, उसको हम पर्स बोलते हैं। बोटमैन का मतलब क्या है? बी ओ ए टी बोट एम ए एन मैन, बोटमैन, नाव चलाने वाला। बोटमैन क्या होता है? नाव चलाने वाला, इसको हम खेवनहार भी लिख सकते हैं, ठीक है, खेवनहार, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड है पेनी, पी ई डबल एन वाई, पेनी, पेनी मीन्स एक पैसा, ठीक है, पेनी एक पैसा। नेक्स्ट है, इसमें कमी है बेटा, ठीक है, वर्ड मीनिंग कम ही है इसमें, तो ये
थ्री है इसमें, यही आप कर लीजिए। आईज का मतलब आपको पता है आंखें होती हैं, ब्लू का मतलब नीला होता है, ठीक है। अक्रॉस यानी पार, ठीक है, अक्रॉस यानी पार, वॉटर पानी होता है। स्टेप यानी कदम, स्टेप यानी कदम, कदम यानी क्या, यहाँ पे स्टेप का मतलब क्या है कि मेरी नाव में आ जाओ, स्टेप कदम, कदम रखो, ओके। आगे सबको समझ में, ये फोर वर्ड मीनिंग है आपके, इन्हें आपने नोटबुक में करना है, उसके बाद इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम स्टे हेल्दी। अगर आपको कुछ समझना आए तो बेटा आप क्लास में आकर या स्कूल में आकर स्कूल टाइम में हमसे कुछ पूछ सकते हैं, ओके बाय।